ग्वालियर में बड़ा गांव हाईवे पुल के पास इटावा, मैनपुरी, आगरा इत्यादि जगह पर जाने वाले डंपरों से नगर निगम के ठेकेदार के गुंडे आए दिन उन्हें रोककर जबरन रसीद काटकर वसूली कर रहे हैं, जबकि उन्हें नगर निगम की सीमा के अंतर्गत खड़े वाहनों की रसीद काटने की परमिशन है। ठेकेदारों के गुंडों की शिकायत थाने से लेकर नगर निगम के आयुक्त से भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल बड़ा गांव के पास बने ब्रिज पर यह लूट खसोट खुलेआम चल रही है। जो भी डंपर उत्तर प्रदेश जाने के लिए हाईवे के रास्ते पर बड़ा गांव ब्रिज होते हुए गुजरता है, वैसे ही निगम के ठेकेदार के गुर्गे उसे घेर लेते हैं और 60 की रसीद थमाकर ड्राइवर से 90, 100 और कभी कभी तो 200 से 250 रुपये तक जबरदस्ती ले लिए जाते हैं। कई बार तो नौबत मोबाइल छुड़ाने और मारपीट तक आ जाती है, जबकि नियम अनुसार ना तो यहाँ डंपर खड़े होते हैं और ना ही नगर निगम सीमा में विक्रय के लिए जाते हैं, फिर भी जबरदस्ती रसीद काटी जाती है। कई बार ड्राइवरों ने संबंधित ठेकेदार के गुंडों की शिकायत थानों से लेकर नगर निगम तक की, लेकिन आवेदन लेकर उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और निगम की आड़ में यह पूरी वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। गिट्टी भरी थी, मेरे पास सारे पेपर थे, रोटी वगैरह सब थी। कहाँ रोक लिया गया आपको? मेरे पुल के नीचे रोक के। कौन लोग थे वो? नगर पालिका वाले, ठीक है वाले। नगर पालिका थे? कितने लोग थे करीबन? ये 3-4 लोग थे। किस क्यों रोक लिया, कारण क्या था? पर्ची काटने के चक्कर में। किस पैसे, बात की पर्ची काट रहे थे? पैसे की मांग कर रहे थे। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? मैंने इनको 100 रुपये दिए थे, इन्होंने पर्ची दी मेरे को, और पर्ची देने के बाद ही आधी पर्ची दी। मैंने इनको साझी पर्ची मांगी तो इन्होंने गाली गलौज किया, उसके बाद फिर मेरे को मारपीट की। क्या पैसे वैसे भी छुड़ा लिए मेरे। कितने पैसे छुड़ा लिए? 4000 रुपये थे। इसकी शिकायत आपने की? हाँ की। कहाँ शिकायत की इसकी? सर थाने में की थी मैंने। कौन थाने में? बिजौली वाल थाने। क्या कार्रवाई हुई उस पर? पूरे मामले कोई कुछ नहीं बोला। क्या बोले थे कुछ? बोला आवेदन लिख के दे दो, मैं FIR के बोला था, FIR नहीं लिखी थी। FIR नहीं लिखी? नहीं लिखी, बोला आवेदन दे जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। अभी जो जो प्रकरण आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैंने ऑलरेडी अपने वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दे दिया है स्पॉट पर जाकर खुद चेक करने के लिए, और हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे यदि शिकायत सही पाई जाती है। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।